1925 का संगठन 2025 में 100 साल पूरा करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ रहा है और हम सब लोग वही तराजू लेकर तौल रहे हैं कि किसने धोखा दिया और हम सब बिखरते चले गए और आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारे पास कुछ बचा नहीं है। बुद्ध की मूर्ति बनवाएगी, अम्बेडकर की मूर्ति बनवाएगी और उस पर माला डलवाएगी और वही बात जो बार बार कही जाती है, मूर्ति पर माला विचारों पर ताला, आपकी सांस्कृतिक जमीन को काटने का काम किया। ओबीसी समाज को जागरूक इस बात के लिए होना चाहिए कि अगर ओबीसी ही भी हिंदू था, जो मैं बार बार पूछता हूँ, तो कितने जज, कितने प्रोफेसर, कितने वकील, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने उद्योगपति ओबीसी बने हैं। और अगर ओबीसी 50% जो उनकी आबादी उतने नहीं बने, तो ओबीसी का रास्ता क्या मुसलमानों ने रोका था क्या, जिनके लिए बताया जाता है कि हिंदू धर्म खतरे में, जाति के नाम पर सारा मलाई खाने के लिए भी जातियां गिने के नहीं, क्योंकि ओबीसी को पता नहीं कि जातियां गिन लेंगे। वो जो जगदेव वालों का नारा था ना 90% का, जैसे कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि शुद्ध कहने को ओबीसी नाराज होता है, भाई जबरदस्ती उन्हें शुद्ध कहलाना है क्यों? आप शुद्ध कहोगे वो नाराज होगा, वो हिंदू बन करके धर्म बचाने खड़ा रहे, आप क्या करेंगे? जैसे ये अग्निवीर आया है ना, वैसे ही कलमवीर भी वो बना चुके हैं। नई शिक्षा नीति में 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगा, जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा 5 साल के बाद तय करेंगे कि इस प्रोफेसर को परमानेंट करना है कि नहीं। जैसे मैं भी 12 साल से टेम्पररी प्रोफेसर हूँ। नौजवानों के लिए इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि उन्हें कई बार पता ही नहीं चलता कि कितने मुश्किल रास्ते से चल करके हम यहां तक पहुंचे, कितनी लड़ाइयां लड़ी गई, संघर्ष किया गया और बहुत थोड़े से लोगों को हम जान पाते हैं, जिन्हें जानना चाहिए उन्हें भी नहीं जानते और जो गुमनाम रह गए, जिन्होंने अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया केवल इसलिए कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देश भर के दलित पिछड़े आदिवासी बैठ करके इस बात की चिंता करेंगे कि भारत में संविधान को कैसे बचाना है। हम उन सारे लोगों को नहीं जान पाए और आज वो इतिहास भी मिटाया जा रहा है दो तरफ से। हमारे पहले मीडिया के साथ ही बोल रहे थे, उन्होंने बखूबी आपको ये समझाया कि दौर में मीडिया का काम होता था जनता के पक्ष में खड़ा होकर सरकार से सवाल करना और आज मीडिया का काम है सरकार के पक्ष में खड़ा होकर के जनता के खिलाफ काम करना। इस दौर में हमारी पीढ़ियों को पता ही नहीं है दरअसल कि हमारे ऊपर कितने तरह के खतरे हैं। जो थोड़े से जागरूक लोग हैं उनमें से कुछ लोग इस परिसर में बैठे हुए, और एक मुश्किल ये भी होती है कि हमारे सामने जो कन्विंस्ड है उन्हें कन्विंस्ड करने के लिए इस तरह के आयोजनों में हम आते हैं। आप सारे लोग जागरूक लोग, लेकिन हम कौन सी भूमिका निभा सकते हैं? उन भूमिकाओं में उन लोगों को चिन्हित करें कि कौन लोग हमारे साथ हो सकते थे या किन्हें हमारे साथ होना चाहिए। इस देश में जो डॉक्टर उदित राज जी ने बात रखी, मैं वहीं से अपनी बात जोड़ रहा हूं। दलितों की 2-3 पीढ़ियां एक कल्चराइजेशन के बाद इतनी क्षमता तो रखती हैं कि वो एकजुट होकर के अपने मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ सकती है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने 2 काम किए, उनके साथ 2 वजह हैं। उनका सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण इतना ज्यादा था, उन्हें मनुष्य ही नहीं समझा गया था, इसलिए जब उनके बीच से कोई आइकॉन उभरा जिसने उनके भीतर आत्मविश्वास भरा, तो दलित समुदाय को यह लगा कि हमारी मुक्ति इन रास्तों के जरिए होगी। और वो सांस्कृतिक विमर्श में स्पष्ट थे, डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट थे कि धर्म
जाति और इन सब के नाम पर दलितों की स्थिति इनके बीच रिश्ता है। और वो रिश्ता उन्होंने समझा दिया कि इस धार्मिक संरचना में हमारी मुक्ति नहीं। और इसके बाद जो दो तीन पीढ़ियां संविधान में आरक्षण भी पहले मिला, लेकिन एक ऐसा वर्ग जिस वर्ग से मैं आता हूं और मैं आजकल इस बात की कोशिश कर रहा हूं दोनों तरफ से, ओबीसी की बात इस तरह के मंचों पर कैसे होती है, या तो उनका मजाक बनाया जाता है या उनसे शिकायत होती है, और दोनों की पृष्ठभूमि बहुत जायज है, क्योंकि ओबीसी मंडल कमीशन कह रहा है कि 1931 की जनगणना के आधार पर उनकी आबादी 52% है, और ओबीसी में वे जातियां शामिल हैं जिनका सांस्कृतिक और सामाजिक आधार दलितों की तरह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। दलितों को तो मंदिर में घुसने नहीं दिया, ओबीसी मंदिर में साथ बैठा हुआ था। नया अलग बात है कि मैं जब आजकल पूछता हूं तो ये भी पूछता हूं ओबीसी से कि भाई तुम पुजारी क्यों नहीं हो, ये वाला सवाल भी पूछता हूं, लेकिन मंदिर में घुसने न देने का वंचना ओबीसी ने नहीं झेली। दलितों के पास आज भी जमीन 1% से कम है। ओबीसी में कई जातियां ऐसी जो किसान जातियां हैं जिनके पास जमीने हैं। ओबीसी में दलितों के पास शस्त्र रखने का अधिकार नहीं दिया। भीमा कोरेगांव को यूं ही नहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने शौर्य दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि उन्होंने ये दिखाया कि देखो हथियार हमसे छीना था तुमने, हमें हथियार मिला तो हमने अपनी ताकत दिखाई, ये शौर्य दिवस की ताकत। लेकिन ओबीसी में क्या हुआ भाई, आप कह रहे हो मौर्य वंश, मगध वंश, पाल वंश, गुर्जर वंश, ये सब तो राजा थे। अब एक विमर्श यहां पर कंफ्यूजन वाला आता है, कुछ ओबीसी कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, तो ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी में भी एक थ्योरी दी है जिसे आगे बढ़ाया डॉक्टर अंबेडकर ने हुवर सूत्रास किताब में। उन्होंने कहा कि खेत से बना छत्र छत्र क्षत्रिय, लेकिन आर्यों के आने के बाद जो झुक गया उसे उन्होंने क्षत्रिय बनाया, और जो झुके नहीं बनकर खड़े रहे उन्होंने उसे शूद्र बना दिया। इसलिए वो कहते हैं कि शूद्र और अति शूद्र ये ओबीसी और दलित जातियां, ये एक बात है। इसलिए ये मुश्किल है कि ओबीसी आपके साथ उस तरह से नहीं खड़ा हो पाता, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसका शोषण हो कहां से रहा है। अब मैं उन्हें नई भाषा समझाता हूं, और ये कोशिश करते हुए कि हमें ओबीसी का मजाक बनाना नहीं, वो तो मजाक खुद बन रहे हैं जब उनको ये पता चलता है कि 2019 तक देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी के 0 प्रोफेसर थे। ओबीसी को समझ में आने लगता है हमारी भूमिका क्या है, या इस तरह के मंचों पर क्या बात बोली जानी चाहिए। वो बात ये बोली जानी चाहिए कि वो जो सांस्कृतिक विमर्श है, अब जैसे कोई दलित है और आरएसएस की शाखाओं में जाता है, आप उसका मजाक बनाएंगे तो 2-4 दलितों को और लेके जाएगा कि हमारी जाति के नेताओं को वहां मंत्री बनाया जाता है, कैबिनेट में मंत्री बनाया जाता है, और देश भर में प्रचार किया जाता है कि 12 दलित और 27 ओबीसी मंत्री बना दिए गए। ये प्रचार करके उनको टक्कर दिया जा रहा है, और हम तराजू लेके घूम रहे हैं कि 24 कैरेट अंबेडकर वादी कौन है, जो थोड़ा 22 कैरेट है उसका हम मजाक बनाएंगे, और हमने अपने लोगों को उनके खांचे में छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी मुश्किल ये, और यही काम आपने उन प्रतीकों के साथ किया है जो प्रतीक आपके अपने थे, आपने नहीं माना। कल को बीजेपी और आरएसएस बुद्ध की मूर्ति बनवाएगी, अंबेडकर की मूर्ति बनवाएगी और उस पर माला डलवाएगी, और वही बात जो बार बार कही जाती है, मूर्ति पर माला विचारों पर ताला, आपकी सांस्कृतिक जमीन को काटने का काम किया। ओबीसी को किस तर्क से समझाया जा सकता है, मैं इस बात पर पहुंचता हूं कि ओबीसी को एक चीज से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, उसको उसकी हिस्ट्री पहुंचाने में लाई जाए, उन्हें बताया जाए कि कौन थे जगदेव प्रसाद और उनकी शहादत क्यों हुई थी, कौन थे रामस्वरूप वर्मा, पेरिया गणेश सिंह यादव, और इस विरासत से जुड़ते हुए पीछे जब जाए तो नारायण गुरु और पेरियार की विरासत, फूले की विरासत, उन विरासत को याद करते हुए ये कहा जाए
कि मंडल कमीशन की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि ओबीसी बेशक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वैसे पिछड़ा नहीं था, लेकिन वह संसाधनों में, इसीलिए जगदेव बाबू का नारा मैं हर जगह बोलता हूं, मुझे वहां से दिशा नजर आती है कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 बार मारा, और वहां से दिशा मिलती है जो बात मैं इस तरह के मंचों पर कह करके, क्योंकि सोशल मीडिया ही मेरे से मीडिया है, पूरे देश में ये बात जाएगी कि दलितों पर अन्याय हो तो दलित खड़े हैं, ओबीसी पर अन्याय हो तो ओबीसी भी खड़े होना शुरू कर चुके हैं, हमें उन ओबीसी को पहचानना है जो कम से कम हमारे मुद्दे में हमारे साथ खड़े हैं। और इस तरह से वो आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, धन धरती और राजपाट की बात, संसाधनों में हिस्सेदारी की बात, सामाजिक न्याय की बात केवल जाति की बात नहीं, वो जेंडर की बात है। जब मीना कोटवाल जेंडर का सवाल उठा रही थी तो ये सवाल यहां भी उठना चाहिए, वो पूरे देश में उठना चाहिए। वैसे ही सामाजिक न्याय का सवाल संसाधनों के बराबर की भागीदारी का है, इसलिए निजीकरण हमारा मुद्दा है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट की तो 2 अनुशंसाएं लागू हुई, ओबीसी समाज को जागरूक इस बात के लिए होना चाहिए कि अगर ओबीसी ही भी हिंदू था, जो मैं बार बार पूछता हूं, तो कितने जज, कितने प्रोफेसर, कितने वकील, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने उद्योगपति ओबीसी बने हैं, और अगर ओबीसी 50% जो उनकी आबादी उतने नहीं बने, तो ओबीसी का रास्ता क्या मुसलमानों ने रोका था क्या, जिनके लिए बताया जाता है कि हिंदू धर्म खतरे में है। जब तक मेरे गांव में टीवी और व्हाट्सएप नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि उनका धर्म खतरे में है, ये टीवी और व्हाट्सएप गया तो उनको पता चल गया कि हिंदू धर्म तो खतरे में था, उन्हें पता ही नहीं था, ये खतरे में होता नहीं, खतरे में बताया जाए। इसलिए मेरा विचार ये कहता है कि 2-3 मुद्दे जो इस पूरे मंच पर है, और परिसंघ के आयोजकों को मेरा सैल्यूट है कि जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पर बात की जा रही है, और उनमें एक बात और जोड़ी जाए, वो आखिरी बात है मेरी, जाति जनगणना की बात, दलित आदिवासी गिने जाते हैं, धर्म गिना जाता है, जातियां क्यों नहीं गिनते, जाति के नाम पर सारा मलाई खाएंगे लेकिन जातियां गिनेंगे नहीं, क्योंकि ओबीसी को पता नहीं कि जातियां गिन लेंगे तो जो जगदेव बाबू का नारा था ना 90% का, जैसे कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि शूद्र कहने पे ओबीसी नाराज होता है, भाई जबरदस्ती उन्हें शूद्र कहलाना है क्यों, आप शूद्र कहोगे वो नाराज होगा, वो हिंदू बन करके धर्म बचाने खड़ा रहेगा, आप क्या करेंगे। मुझे लग रहा है कि अगर श्रमजीवी शब्द दिया जगदेव बाबू ने रामस्वरूप वर्मा ने, हरियाणा में चौधरी छोटू राम ने नारा दिया कि कमेरा लोग हैं 90% और 10% लुटेरा लोग हैं, तो 90% में तो दलित पिछड़े आदिवासी सब आ गए ना, तो श्रमजीवी कमेरा और परजीवी और लुटेरा का नारा, मुझे लगता है शब्द और भाषा ऐसी चुनिए जिससे एकता बने, विचार को ऐसा चुना जाए जिसमें एकता बने। 1925 का संगठन 2025 में 100 साल पूरा करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ रहा है, और हम सब लोग वही तराजू लेकर तौल रहे हैं कि किसने धोखा दिया, और हम सब बिखरते चले गए, और आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारे पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश इस तरह के मंचों पर यह होती है, हमारी भाषा वह भाषा हो जो 90% वंचित शोषित कमेरा लोगों को एकजुट करे, हमारे मुद्दे वो मुद्दे हो जो इस परिसंघ के पोस्टर पर लिखे हुए हैं, जिनसे हम आगे की पीढ़ी को जोड़ सके। साहब पुरानी पीढ़ी तो बहुत ग्लैमराइज होती है कि हमने मान्यवर कांशीराम के साथ काम किया, हमने मंडल की लड़ाई लड़ी, बाद की पीढ़ी को पता ही नहीं चलेगा कि मंडल और कांशीराम की लड़ाई लड़ने वाले लोग एकजुट कैसे थे, नई पीढ़ी को इतिहास बताना। और मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल खोला उसके पीछे चैनल मुझे तो पता ही नहीं था, रतनलाल जी बैठे हुए हम लोगों को पता ही नहीं था इससे पैसा भी आता है, और कोई पैसा वैसा आता नहीं था, इतना पैसा नहीं आता कि आप उसे लूट करके लंदन भाग जाए, वो तो खर्चा चलाने का है, लेकिन हमने कोशिश क्यों की। जैसे एक प्रोफेसर का काम है कि उसके क्लासरूम कैसे बने जिसमें सब तरह के लोग हों, वैसे ही मेरी चिंता ये भी है कि मेरा समाज भी वैसा बने जैसा भारत का संविधान और मंडल कमीशन चाहता है। इसलिए हमने वो कोशिश की कि इतिहास को जानो, नई पीढ़ी को इतिहास बताइए, मेरी गुजारिश है, और इसलिए हम लोग उन आइकॉन्स को बताएं, उनके सवालों को बताएं, और आखिरी बात इसमें जोड़ी जाए नई शिक्षा नीति, जैसे ये अग्निवीर आया है ना,
वैसे ही कलमवीर भी वो बना चुके हैं। नई शिक्षा नीति में 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगा, जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा 5 साल के बाद तय करेंगे कि इस प्रोफेसर को परमानेंट करना है कि नहीं। जैसे मैं भी 12 साल से टेम्पररी प्रोफेसर हूं, मुझे भी अभी तक परमानेंट नहीं किया है। आगे क्या करेंगे वो बोलने की बात ही नहीं, आप सब समझदार है, इशारा काफी। लेकिन नई शिक्षा नीति ठीक वही काम शिक्षा जगत में कर चुकी है जिसने नई पीढ़ी को पूरी तरह से शिक्षा को बर्बाद करके हमें एक वैचारिक रूप से दिवालिया पीढ़ी सौंप दी। और इसलिए मेरी आखिरी टिप्पणी यही है, बाकी वक्ता भी बोलेंगे, केवल आखिरी टिप्पणी है, सबसे महत्वपूर्ण अगर लड़ाई है, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है, चाहे वो बुद्धा से लेकर के मंडल तक की लड़ाई हो, वो लड़ाई शिक्षा को बचाने की लड़ाई है। और शिक्षा डिग्रियों वाली नहीं, शिक्षा वो जो जिसे पी के दहाड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए नई शिक्षा नीति को शामिल करिए, जाति जनगणना को शामिल करिए। और अपनी बात खत्म करते हुए कविता सुनाता हूं आपको, और शिक्षा क्यों जरूरी है इसी पर ये कविता है। सफदर हाशमी की कविता है। किसके कविता और क्यों मैंने ये कविता चुनी, इसके भी कुछ अर्थ है। पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों, क ख ग घ को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो, पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं, पूछो तुम्हारी सूखी रोटी गिद्ध लपकते क्यों हैं, पूछो माँ बहनों पर ये बदमाश झपटते क्यों हैं, पूछो तुम्हारी मेहनत का फल सेठ गटकते क्यों हैं। पढ़ो, लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा, पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वह भी दोस्त तुम्हारा, पढ़ो अगर अंधविश्वासों से पाना है छुटकारा, पढ़ो किताबें कहती हैं सारा संसार तुम्हारा, पढ़ो कि हर मेहनत कश को उसका हक दिलवाना है, पढ़ो अगर इस देश को भी ढंग से चलवाना है, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, कुल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।